जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी से दिन क्षेत्र से बड़ी घटना प्रकाश में आई है। पत्नी ने रखा था तीज का व्रत पति के लिए, पति ने पत्नी को उतारा धारदार हथियार से मौत के घाट। महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर पति द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई। पति हुआ मौके से फरार, जनपद सुल्तानपुर थाने में जाकर किया सरेंडर। सूचना पर तत्काल प्रभाव से पहुंचे अमेठी जनपद के SP इलामारान। घटना स्थल सत्यदिन SP ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले की जानकारी ली। SP और CO और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। मृतक महिला के पति को पुलिस ने लिया हिरासत में और पूछताछ में जुटी शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के सत्यदिन बाजार का है पूरा मामला। क्या नाम है? मधु यादव। क्या घटना हुई है आज? सर, वो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट दिया है। तो आगे क्या घटना हुई? आगे कुछ नहीं, हम लोग रोने लगे थे। हाँ, फिर दोबारा कोई जानकारी मिली? सर, फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे, झूठ नहीं कह रहे, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जब अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया तो वो कह रहे थे नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। क्या चाहते हो आप लोग? सर, हम लोग चाहते हैं कि इसमें मजरूम को। भैया, सत्यन चौकी अंतर्गत घटना हुई है, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज 30 तारीख थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सत्यन चौकी के अंदर एक महिला का ने पति ने मार दिया था। इसके बारे में पुलिस ने सूचना तुरंत मिल गई। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा भर पे इसके PM के लिए आगे भेजा जा रहा है। ये पति ने अभी पुलिस का हिरासत में, जिनको पूछताछ हो रहा है, परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त करके FIR दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति किस थाने में हिरासत में है भैया? अभी पति ने सुल्तानपुर थाने में सरेंडर हुआ है, वहाँ से अमेठी पुलिस ने उनको लेके आ रहे हैं। उसके बाद पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।